नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आपके सामने सुपर टेट के एलिजिबिलिटी और सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोगों का आंसर की भी आ गया होगा, आप लोगों ने मिला भी लिया होगा, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ एक एज ए पासिंग होता है, अगर आप पूरा जो 90 क्वेश्चंस होते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में कर लिए हो, ठीक है, तो आप यूपी टेट क्वालिफाई हो, क्वालिफाई नेचर होता है। उसके बाद से आपका जो अध्यापक बनने का अगला प्रोसेस होता है वो होता है सुपर टेट, जिसके तहत आप प्राइमरी में, ठीक है, प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए सुपर टेट होता है। लेकिन जो आने के चांसेस हैं, इधर आचार संहिता लग गई इस वजह से जो 17,000 आने वाली थी वैकेंसी वो नहीं आई, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है 17,000 आए और हो सकता है 97,000 आए, तो दोनों में से चांसेस हैं। लेकिन इसके ज्यादा चांसेस हैं, 17,000 ही लास्ट में ये हुआ था कि नहीं अब 17,000 निकलेगा, लेकिन हो सकता है कि बच्चों के काफी आंदोलन हुए हैं तो 97,000 को लेकर, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि आपका यूपी टेट हो चुका है, आप सुपर टेट होना है। गवर्नमेंट बनते ही आपका अगली वैकेंसी यही आएगी टीचिंग में। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ कितना गया था पिछली बार, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। कितने क्वेश्चंस आपके आते हैं, कितने परसेंटेज मार्क्स नेसेसरी है आपको ले आना, तो एक बार देखते हैं हम लोग धीरे धीरे कि इसकी जो बोला जाए पहले एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि आप लोग यूपी टेट दिए हो, सबको पता है, ठीक है, कि अगर इसमें तो जो मेन है इसमें बोला है कि क्लास 12th पास होना चाहिए, क्लास 12th पास होना चाहिए। इसमें से बहुत कम ही बच्चे मिलते हैं इस कैटेगरी से, जैसे और लगा है, इन सभी के बीच कोई भी कोई होगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनमें से कोई भी, तो वो मान्य होगा, लेकिन इसके बच्चे बहुत कम मिलते हैं। बोला 12 पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, एंड पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा है तभी भी आप भर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ क्या बोला है कि क्लास 12th पास होना चाहिए कितने 50% मार्क्स से, और 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड है तभी भी आप मान्य हो, और यू हैव मिस्ड पास 12th विद 50% मार्क्स, और 2 साल का आपका डीएलएड है तभी भी आप मान्य हो। तो इन सबसे तो बहुत कम बच्चे मिलते हैं कि 12th के बाद डीएलएड या बीएलएड किया हो कोई। मैक्सिमम बच्चे जो मिलेंगे आपको यहां से मिलेंगे, ग्रेजुएशन डिग्री हो आपके पास या 2 साल का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या यू मस्ट हैव ए ग्रेजुएशन डिग्री या बैचलर बीएड हो आपके पास, ठीक है, या तो आपके पास डीएलएड हो, मतलब जो बीटीसी कहलाता है, ठीक, ग्रेजुएशन के और 2 साल का डीएलएड हो, बीटीसी हो, या आपका ग्रेजुएशन के साथ बीएड हो। सबसे ज्यादा बच्चे यही लाई करते हैं, वो तो बहुत कम कंडीशन होता है कि कोई बच्चा 12th के पास डीएलएड और बीएलएड करता होगा। तो मैक्सिमम ये वाले जो बच्चे मिलेंगे तो यहीं से आप लोगों का है, तो ये आप लोग आहारता रखते हो तो फॉर्म को भर सकते हो। साथ ही साथ प्राइमरी का, क्योंकि ये प्राइमरी के लिए है सुपर टेट, प्राइमरी टेट जो होगा वो क्वालिफाई होना चाहिए आपका, ये ध्यान रखना, प्राइमरी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, यूपी टेट होना चाहिए या सी टेट का, दोनों में से कोई प्राइमरी वाला अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आपने यूपी टेट नहीं क्वालिफाई किया, सीटेट का प्राइमरी किया है तभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई आपका क्वालिफाई है प्राइमरी लेवल का तो ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अब आ जाते हैं पैटर्न पर और सिलेबस पर क्या है। तो देखो सिलेबस में पहले लैंग्वेज वाला है जिसमें हिंदी भाषा, संस्कृत तथा अंग्रेजी, ये तीनों पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन इसके होंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और ये टोटल 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा में क्या है, व्याकरण, अपठित गद्यांश और वही सब जनरल्स आपसे पूछा जाता है। सिलेबस पर किसी दिन और विधिवत डिस्कशन कर लेंगे, अभी पैटर्न बता देते हैं। जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके हिंदी का आएगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश रहेगा और 10 ही आपका क्या रहेगा, संस्कृत रहेगा। तो सबसे ज्यादा हिंदी पे मेहनत करना है, बाकी तो जनरल सा चीजें हैं। फिर विज्ञान, ये 10 क्वेश्चन आपका आएगा 10 मार्क्स का, जनरल चीजें आएंगी विज्ञान से, जैव विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूर, ध्वनि, जीवों के दुनिया, मानव शरीर का स्वास्थ्य, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से रहेगा, डिसीजेस, न्यूट्रिशन से, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से, पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं से क्वेश्चन रहेंगे। गणित आपका, देखो गणित जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा, मतलब 20 क्वेश्चन यहां से आएंगे, 20 क्वेश्चन गणित का आएगा, ठीक है।
आप देख लीजिए सिलेबस में ही है जो जनरल होता है, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय नवान, भिन्न, ब्याज, लाभ, हानि, प्रतिशत, यही जनरल जो आपका सिलेबस है। मैं ये पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप लोग देख लीजिएगा। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन की बात किया जाए, देखो इतना बड़ा सिलेबस दिया है और क्वेश्चन कितना पूछ रहा है, सिर्फ 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वही आपको पढ़ना है। जब बैच स्टार्ट होगा इसका तो आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से जो है आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। आपको टीचर अपने सब्जेक्ट का पूरे अच्छे से बताएगा कि हमें इस सिलेबस में कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 मार्क्स के लिए अब इतना थोड़ी है, ये तो पढ़ने बैठ जाओ तो अच्छा खासा है, ठीक है। लेकिन हमें बस उन्हीं पॉइंट को उठाना है जहां से क्वेश्चन आपके बने हैं प्रीवियस ईयर में। फिर शिक्षण कौशल, एक तरह से सीडीपी वाला ना, सीडीपी को यहां पर थोड़ा और ब्रॉड किया गया है। सीडीपी के 10 क्वेश्चन आएंगे साइकोलॉजी से, एक मेन ये पार्ट जो है वो साइकोलॉजी है, चाहे एजुकेशन साइकोलॉजी, तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी से है। और पूरा मिला लिया जाए शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, ये सब मिला के पूरी एक सीडीपी ब्रॉड कहलाएगी। तो 10 क्वेश्चन आपके एजुकेशन साइकोलॉजी से हो गया, उसके बाद से बाल मनोविज्ञान, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी से, एजुकेशन और चाइल्ड साइकोलॉजी से आप बाल मनोविज्ञान से 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। बाल विकास प्रभावित करने वाले कारक, सब ये सब कुछ आपके चाइल्ड साइकोलॉजी का ही एक तरह से, जो आप लोग टेट में पढ़े होंगे उसी को बस तोड़ा है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद से आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं हैं यहां पर 30, ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके यहां से अंतरा मतलब करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर ही नहीं रहेगा इसमें, और भी कुछ रहेंगे, भारतीय कला और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार भी रहेगा, जो व्यक्तित्व है, मेन मेन रचनाएं हैं, ये सब कुछ रहेगा, महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, ये सब कुछ रहेगा। 30 क्वेश्चंस में कुछ जीएस के भी पोर्शन रहते हैं जब आप पेपर देखोगे तो 30 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के हैं। अभी इसमें ये 10-10-20 हुआ ना, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, मतलब सीडीपी का ही एक तरह से 10 क्वेश्चन और बचा है। अभी यहां 20 क्वेश्चन हुआ, 10 क्वेश्चन मैनेजमेंट से आएगा, अभी बता रहा हूं, लास्ट में है वो लिखा हुआ सिलेबस में, मैनेजमेंट से, वो भी सीडीपी का ही एक तरह से बोल सकते हो पार्ट होगा। उसके बाद से रीजनिंग, देखो सिलेबस दिया है, सब कुछ दे दिया भाई साहब इसमें, एनालॉजी, एसर्शन, रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, पजल, सिंबल, नोटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, लेकिन पूछेगा क्या, सिर्फ 5, तो पढ़ना तो सब पड़ेगा ना। तो प्रॉपर इसकी क्लास चल रही है, एक बैच तो चल ही रहा है, हम लोग फिनिश करने के कगार पे हैं, बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा दूसरा बैच लॉन्च होगा, तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो आप अगर पहले से सोच रहे हो कि हम अच्छा खासा तैयारी करें, तो प्रीवियस जो बैच चल रहा है अभी उसमें कई चीजें कंप्लीट नहीं है, अभी सीडीपी के कुछ पार्ट नहीं कंप्लीट है, अभी आपका रीजनिंग अभी चल ही रहा है, तो अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वेन डायग्राम, ये सब कुछ आपका यहां पर दिया गया है 5 नंबर में। उसके बाद से सूचना तकनीकी, मतलब ये एक तरह से कंप्यूटर का क्वेश्चन यहां पे आता है, मतलब कंप्यूटर का यूज क्या होगा एजुकेशन लाइन में, उससे संबंधित यहां से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ध्यान से देखना। शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, मतलब कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन, OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी एप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, यहां सब आपसे क्वेश्चन पूछा, मतलब जनरल इसमें कंप्यूटर वाला ही क्वेश्चन पूछता है, 1-2 क्वेश्चन नए ऐप के बारे में पूछ लेता है किसका एजुकेशन में उपयोग हो रहा है, ठीक है। अब यहां देखो, ये भी एक सीडीपी का ही पार्ट है, जो मैंने वहां बोला था ना 20 क्वेश्चन, तो 10 इसको भी मान लो, 30 क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। व्यवसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षा की भूमिका, ठीक है, सुविधा प्रदाता, अनुसरणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था, ये सब कुछ इसमें आपको क्या है पढ़ना है, तो ये एक मैनेजमेंट वाला है, ठीक। उसके जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, जीवन के कौशल के बारे में, ठीक है, लाइफ स्किल्स के बारे में आपको पढ़ना है, तो वो सब चीजें एक तरह से किसमें आ जाएंगे, सीडीपी का ही पार्ट होगा। तो 30 क्वेश्चन आपके यहाँ टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होंगे। अब यहाँ पे आपको क्या है, इससे पहले जो आपका पिछला था वो सुपर टेट में कट ऑफ जो डिसाइड किया गया था वो जनरल के लिए 65% किया गया था, ओबीसी और एससी एसटी के लिए 60%, मतलब 150 का अगर आप 97 मार्क्स या 97 क्वेश्चंस करते हो तब भी आप क्वालिफाई माने जाओगे, अदरवाइज नहीं। इसके बाद से ये मार्क्स अगर आपके हैं, उसके बाद से आपके गुणांक निकलते हैं, ठीक है, जो आप जितना परसेंट यहां पाते हो, मान लो आपने 65% पाया ना, 65% का
60% जुड़ेगा आपका, ठीक है, 65% का 60% आपका क्या जुड़ेगा, गुणांक जुड़ेगा, क्योंकि जो आपका लास्ट में जो मेरिट बनेगी आपकी वो किसकी बनेगी, आपका जो रिटेन होता है उस रिटेन का कितना परसेंट, 60% लिया जाता है, और आपके एकेडमी का जो एकेडमिक है उसका 40% लिया जाता है, तो 60 प्लस 40 मिला के यही गुणांक बनता है 100% का। तो जो 60% होता है, सपोज करो आपने 150 में से 97 नंबर पाए हो, तो 150 में से 97 जो होगा वो कितना होगा, 65% होगा, तो 65% का 60 लेंगे, 60, ठीक है, 60% लेंगे, तो जो मार्क्स आएगा वही आपका क्या होगा, यहां रिटेन का मार्क्स होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने 65% पाया है तो यहां पे अगर काट दें यहां पे तो 6.5 × 6, ठीक है, 6×5 30 और 3, 6×6 36 36 और 3 39, तो 39 मार्क्स आपके हुए। अगर आपने जस्ट क्वालिफाई किया है सिर्फ 97 नंबर लाके, तो आपके कितने मार्क्स हुए यहां पे, 39 मार्क्स हुए, तो मतलब रिटेन में आपके कितने मार्क्स हुए, 39 मार्क्स हुए, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब एकेडमिक जुड़ेगा, एकेडमिक का क्या होता है, देखो यहां पर रिटेन का 60% है ना, तो मैंने कहा अगर आपने 65% लाया है तो 65% का अगर 60 निकालेंगे हम लोग तो कितना आया, 39 आया, तो 39 मार्क्स यहां हो गए। सपोज करो आपने 60 मार्क्स ही मतलब फर्स्ट डिवीजन पास आपने हाई स्कूल में पाए थे, तो 60% यहां पाए, इसका 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसका अगर 10% निकालते हो तो 6 मार्क्स हो जाएगा। सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इंटरमीडिएट में भी आपने 60% मार्क्स पाया है, इसका 10% निकालोगे तो इसका भी 6 हो जाएगा, इसका भी अगर ग्रेजुएशन में भी आप 60% पाए हो, ठीक है, उसका आप 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसका भी 6 ही हो जाएगा। अगर आपने बीएड डीएलएड में करते समय आपने जो भी, मान लो मैं अभी यहां एग्जांपल के तौर पे यहां पे सबसे ज्यादा परसेंटेज उठता है तो 60% में मानूं, तो यहां पर भी आप 10% निकालोगे इसका तो यहां भी 6 ही मार्क्स आएगा, तो टोटल आ गया 6×6 = 12, 6×3 = 18, 6×4 = 24, तो मिनिमम के आप यहां एकेडमिक अगर देखा जाए तो आपके आ गए कितने, 24 मार्क्स, ठीक है, 6 मार्क्स यहां से, 6 यहां से, 6 यहां से, 6 यहां से, तो 6×6 = 24 मार्क्स ये हो गए। रिटेन में आपने 39 पाया और 24 यहां पा गए, तो 9×4 = 13, ठीक है, 3×2 = 5 + 6 = 63 नंबर, ठीक है, 63 नंबर आपके यहां पर बने, तो क्या आप 63 नंबर पे क्वालिफाई हो जाओगे। तो इस बार जो आपके 69,000 वैकेंसी थी उसमें जो जनरल का देखा जाए जो तीन आपके लिस्ट आई है, तो सबसे जो लेटेस्ट कट ऑफ है जो जनरल बच्चा सेलेक्ट हुआ है वो कौन सा है वो जान लो। जो आपका सेलेक्ट हुए हैं बच्चे उसमें ऑन अप्रोक्स जनरल का जो बोला गया है वो 66 point something something है, यहां पर 63 आया तो 3 मार्क्स आपको और जरूरी है, तो एग्जैक्ट अगर 97 पे हो तो नहीं होगा, लेकिन अगर एकेडमिक आपका बढ़ गया 3 नंबर, ठीक है, अगर आप में सब में 70% हो तो 1, 2, 3, 4 नंबर बढ़ गया तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो 66 point something पर आपका जनरल का था, ठीक है, 65 पे आपका ओबीसी का था, मैं एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे ही था, 66 point something और 65 पे ओबीसी का था, और आपका एससी एसटी का जो था वो 59 point something पर कट ऑफ बनी थी 69,000 में। तो बात है यहां पे 17,000 अगर वैकेंसी आती है तो 17,000 में चांसेस ये हैं कि आपके कट ऑफ थोड़ी और राइज करेगा, अगर 97,000 आ गया तो कट ऑफ हो सकता है कि कम रहे। तो ये जान लो कि आपको आपका अगर एकेडमिक नहीं अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इसमें जबरदस्त मेहनत करो ना, 150 में ले आओ 120-125 plus, ठीक है, यहां बच्चे लेके आए हैं 120-130-130 मार्क्स लेके आए हैं, तो आप कोशिश करो अगर एकेडमिक में आपके अच्छे नहीं, क्योंकि आप पास्ट में जाके उसको चेंज तो कर नहीं सकते हो, तो आप इसमें अच्छा फोकस करो, ये मार्क्स अगर आ गए तो आपके एकेडमिक कवर हो जाएंगे। अब मैंने बताया ना जस्ट क्वालिफाई जब हो रहा था बच्चा 69,000 में, तो वो अगर 60% मार्क्स यहां पाया हो और यहां जस्ट क्वालिफाई हो रहा हो तो उसके 63 बन रहे हैं, सिर्फ 3 नंबर की कमी है तो वो सेलेक्ट हो जाता। तो अगर उसके कहीं भी, क्योंकि यहां कम चांसेस है, जो टीचर ट्रेनिंग होता है इसमें 80-80, बीटीसी वाले तो 90-90% पाते हैं, तो यहां तो वहीं खींच ले जाएंगे खट दे, 6, 3, 9, 3 नंबर सीधे बढ़ गया तो यहीं से सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप लोग रिटर्न में अच्छे से मार्क्स लेके आना, टीम आपको पूरी मदद करेगी अगर आप
सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर परीक्षा प्लस टीम के साथ जुड़िए। अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी क्वेरी बता सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।